चैनल एस प्रियव्रत। सो केजीएफ चैप्टर 2 अभी तो पूरा धमाल मचा रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 तो अभी मैंने जो प्ले कर रहा था वो केजीएफ चैप्टर 2 का जो इमोशनल साउंड है नरे नरे नरे, वो जो माँ का गाना जब शुरू होता है वो जो एक इमोशनल साउंड प्ले होता है वही इमोशनल साउंड। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास प्रोसेशन नहीं है तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक गिटार को जैसे अपोस्टिक की तरह प्ले कर रहा हूँ। आगे मैं प्रोसेसर ले आता हूँ तो ये जो ट्यून में अभी प्ले कर रहा था इसको आप प्रोसेसर को ऐड करके प्ले करेंगे इस वही टैब में। मैं जो टैब अभी आपको दे दूंगा आप आराम से यहाँ पे टैब आपको मिल जाएगा। तो ये टैब यूज करके आप प्रोसेसर लगा करके भी प्ले करेंगे बहुत बहुत जबरदस्त साउंड आएगा, पूरा रियल साउंड आएगा। इट इज द रियल एंड एक्चुअल टैब ऑफ दिस सॉन्ग इन हाई ऑक्टेव। ओके सो आइए देखते हैं कैसे प्ले करेंगे, आप भी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ओके तो अभी चलिए देखते हैं कैसे आप प्ले करेंगे। सो ये गाना हम हाई ऑक्टेव में प्ले करेंगे, अच्छा साउंड आता है तो हाई ऑक्टेव प्ले करेंगे। देखिए तो ई स्ट्रिंग जो सोलो स्ट्रिंग आता है, ई एंड बी स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग में ये गाना प्ले हो जाता है। ये एक बस छोटा ट्यून है तो ई स्ट्रिंग में आप जाएंगे 11 के बाद देखिए फिंगर भी देखिए 11 के बाद 13 उसके बाद बी का 14 उसके बाद बी का 14 बी का 13 ओके उसके बाद देखेंगे उसके बाद बी का 11 फ्रेट 4 टाइम स्ट्रोक होगा। आप बस शुरू जो धुन होता है और रिदिम और धुन को याद कर लीजिए आराम से कितना स्ट्रोक आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों तरह आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं नहीं तो ठीक है, दोनों का साउंड बहुत अच्छा आता है, आप जैसे भी करेंगे बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहां तक हम आ गए, यहां पे हम है बी का 11 स्ट्रिंग में, उसके बाद बी का 9 स्ट्रिंग, दो बार स्ट्रोक करना पड़ेगा, उसके बाद 10 स्ट्रिंग, स्लाइड आता है 9 के बाद बी स्ट्रिंग का 11 एक वन टाइम स्ट्रोक करना पड़ेगा, उसके बाद स्लाइड करेंगे अब 13 को स्लाइड करेंगे एक बार, उसके बाद ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है ऐसे आप करेंगे जो पहले आता है वो तो सेम है, सेम है, उसके बाद यहां तक आपको आना पड़ेगा उसको स्लाइडिंग करेंगे। ठीक है तो मैं फिर से प्ले करके आपको दिखा देता हूं। तो हो गया बहुत इजी टास्क से, आप कंप्लीटली ये वीडियो को देखिए पेशेंस रखे और इस टैब जैसे मैं प्ले कर रहा था मैंने तो बोल दिया आराम से, तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छा, मेरे से भी बहुत अच्छा प्ले करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड देन मेरी मेरी थैंक्स टू यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।